इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे और केंद्र सरकार ने अलग सहकारी मंत्रालय बनाए, उनके 3 साल पूरे हो जा रहे हैं। इस प्रसंग में पूरे गुजरात और देश से अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि का स्वागत करना चाहूंगा। इस प्रसंग में माननीय सहकार और गृह मंत्री केंद्र के अमित भाई शाह ने समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित है, इसलिए उनका स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे बीच गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, मुरली जी राज्य मंत्री केंद्र सरकार, हमारे अध्यक्ष शंकर भाई, सहकार मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष विधानसभा जेठा भाई, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एशिया एयरलाइंस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल जी, रविंद्र राव जी, मंचस्थ महानुभव। मैंने शुरू में कहा कि अमित भाई का स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद इस बात का, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है, जिन्हें सपना देखा था कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, भारत के साथ जोड़ने के लिए 370 हटाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित भाई को दी और पार्लियामेंट में जिस तरह से एक ऐतिहासिक पल, आज भी हम उस दृश्य टीवी पर देखते हैं तो हम अपने आप गौरवित होते हैं। अमित भाई ने 317 हटाने के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट में बिल रखा, जो बोलते थे लोही की नदियों बहेगी, कुछ भी किया ना, शांतिपूर्ण रीत से कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए अमित भाई को धन्यवाद देता हूं। आपने जिस दिन से सहकारिता मंत्रालय संभाला, वैसे तो सहकारिता कानून राज्य का अस्तक है, फिर भी पूरे देश में पैक्स एक सुचारू ढंग से पूरे देश में एक रूप रंग से चले, इसके लिए मॉडल बायलॉज बनाने के लिए जो आपने मेहनत की, उनका हम साक्षी हैं। और पूरे देश में 17 भाषा में अलग अलग राज्यों से जो सजेशन थे मंगवाए, उनका अभ्यास किया, स्टडी किया और सुचारू ढंग से उनका अमलीकरण हो, इसलिए अब पूरे देश के राज्य सरकार को भेजा और सबने उस स्वीकृत किया। अलग अलग पॉलिटिकली पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो आपने दृष्टिकोण अपनाया है मॉडल बायलॉज में, वो पेश के माध्यम से सहकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत बनाने में खूब उपयोगी है। आपके नेतृत्व में जो 5 बिलियन भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, वो आपकी सहकारिता क्षेत्र से एक पूरक होगा, साबित होगा कि इनमें उनका उपयोग काफी होगा। हम सब जानते हैं पूरी विश्व में भारत का 5वां क्रम है, अभी उनको 3रे क्रम लाने में भी इस सहकारिता के माध्यम से सहकार से समृद्धि का सूत्र सफल करने के लिए आपका नेतृत्व सफल रहेगा। हमने छोटे छोटे काम में भी देखा है, जैसे इफ्को ने नैनो डीएपी का संशोधन करके पूरी दुनिया में अपनी जमीन, वायु प्रदूषण और हेल्थ की केयर करने के लिए काम किया है। आपने जिसका उद्घाटन गुजको मसल का किया था, जो स्थिति थी आज उनकी एक स्थिति अलग तरफ से अब प्रगति का निशान हम देख रहे हैं। उन्होंने केले से कपड़ा, कागज और लिक्विड फर्टिलाइजर के और भी काफ़ी चीज बना के देश को एक नई दिशा, जो आप कोर्ट में आपका सहयोग है, राज्य सरकार तरफ से पूरा सहयोग सहकार मंत्री और मुख्यमंत्री से मिल रहा है, वही दिशा आगे बढ़ाएगा। आपका मार्गदर्शन हमें आगे ले जाने में काफ़ी कामयाब रहेगा, वही
उनके साथ आप सबका स्वागत करते हुए मैं विराम करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।